वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा जी। सर, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि दिल्ली के मुद्दे जो है वो देश के मुद्दे होते हैं। कहीं ना कहीं दिल्ली में आपके उम्मीदवार कन्हैया कुमार के ऊपर वार होता है, पहले माला पहनाई जाती है, फिर उनके साथ मारपिटाई होती है, तो किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आप दिल्ली के ये मानसिकता बता रहा है भारतीय जनता पार्टी। जब वो हारने लगते हैं तो इसी तरह के हथकंडे अपनाते हैं, और हिंसा का सहारा भारतीय जनता पार्टी की मुझे लगता है उनके डीएनए में है कि लोकतंत्र को कैसे हिंसा के जरिए डिसरप्ट किया जाए, डिरेल किया जाए। लेकिन ये चलने वाला नहीं है, ये देश और ये दिल्ली शहर ऐसा नहीं है कि इस तरह की हिंसा को बर्दाश्त करे। फिफ्थ फेज की आज वोटिंग है, चार चरणों का चुनाव हो चुका है, वोट प्रतिशत बहुत कम है। अमित शाह जी लगातार कह रहे हैं कि इंडी गठबंधन के मतदाताओं में निराशा की वजह से ये वोट परसेंटेज कम है। उन्हें 4 जून को मालूम पड़ जाएगा कि किसमें निराशा है और किसका वोट प्रतिशत कम है। रायबरेली से खबर आ रही है कि बीजेपी के लोग वोटिंग मशीन्स को लेकर भाग रहे हैं, किस तरीके से? चुनाव आयोग आंखें बंद हैं, कान बंद हैं, मुंह बंद है, छुट्टी पर है क्या चुनाव आयोग? कुंभकर्ण को शर्म आ जाए ये चुनाव आयोग को देखकर। अभी दिल्ली में कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले राहुल गांधी ने इवनिंग में चांदनी चौक लोकसभा सीट से जनता को संबोधित किया था, उसमें केजरीवाल कहीं नजर नहीं आए थे, तो क्या माना जाए केजरीवाल और आप पार्टी से कांग्रेस पार्टी दूरी बना रही है? हम अपने गठबंधन में हैं, वो हमारे साथ दिल्ली में, तो दूरी की तो कोई सवाल नहीं उठता। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन सचिन।